नमस्ते दोस्तों। तो वसीयतनामा और विल के बारे में मेरा जो पार्ट वन था, अब जहां पे मैंने इसके इम्पोर्टेंस की बात कही थी, ये पार्ट टू है इस वीडियो सीरीज का, जहां पे बात होगी कि वसीयतनामा बनाया कैसे जाए। फ्रेंड्स, एक चीज मैं यहाँ पे एडमिट करना चाहूंगा कि मुझे सच में ये विल जो है इसका हिंदी वर्ड नहीं पता है, और ये वसीयतनामा तो शायद उर्दू वर्ड है, लेकिन काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, तो हमारी समझ के लिए मैं इस शब्द का यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि विल लिखना कितना आसान है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए कोई फॉर्मेट होता होगा। देखिए, विल सबसे पहले तो कानून की नज़र में ये एक कानूनी दस्तावेज है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है आपकी तरफ से, आपके विशेष को आप ने मेंशन किया हुआ रहता है। तो ऑफ कोर्स कानून की नज़र में एक सिस्टम होता है, आपको सिस्टम फॉलो करना है। आप चाहो तो इसे हैंड रिटन लिखिए, मतलब आप बस एक A4 शीट पेपर लेके अपना विल लिख सकते हो अभी, ठीक है, हैंड रिटन लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसे टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि विल जो होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जैसे कभी कोई चीज लीगल डॉक्यूमेंट होती है तो उसे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि आपने विल तो लिख दिया, और आपके बाद में जब कोई ऐसी इश्यू अराइज होती है जहां पे कोई स्टेक होल्डर या कोई बेनिफिशियरी सेटिस्फाइड नहीं होते, तो हो सकता है वो इस विल को चैलेंज करे कोर्ट में। तो उन सब चीजों का ध्यान हमें रखना है। बहुत सिंपल है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके बारे में मैं जस्ट क्विकली बता देता हूँ। तो इस डॉक्यूमेंट को जो आप विल लिख रहे हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखना है। जैसे मैंने बोला, टाइप कर सकते हैं आप। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप इसे हैंड रिटन कीजिए, क्योंकि जब विल आपके हाथ से लिखा हुआ है तो चैलेंज करने वाली बात वहीं खत्म हो जाती है ना। दूसरा, कई लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसे इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, भाई हमें इंग्लिश नहीं आती, या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में ज़्यादा वो कम्फर्टेबल नहीं होते हैं। तो अच्छी खबर यह है, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है उस भाषा में आप अपना विल लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी ज़्यादा समझ में आती है तो प्लीज़ अपना विल आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश से कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिखिए। इनफैक्ट मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और विल अगर इंग्लिश में लिखी हो, तो हो सकता है कि उस पर कल के दिन कोई चैलेंज कर सकता है कि भाई इनको तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो इन्होंने विल कहाँ से लिख दी। तो टू सेफ गार्ड योर बेनिफिशरीज, आपके बेनिफिशरीज को हर हाल में आपको सेफ गार्ड करना है, ताकि आपके असेट्स आपके हिसाब से आपकी इच्छा के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपके अपनों में। तो पहली बात यह है कि आप इसे हैंड रिटन लिखिए, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। सेकेंड, आप इसे अपनी भाषा में लिखिए। और तीसरा, शुरुआत में जैसे अभी आपने पेपर ले लिया, पेन ले लिया, आपने सोच लिया आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है आपका नाम, पूरा नाम जो लीगल नेम है। जैसे अभी मेरा नाम श्रीकांत तापड़िया है, और अगर मैं सिर्फ श्रीकांत लिखता हूँ तो हो सकता है उस पर कल के दिन कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आप अपना नाम पूरा लिखिए, अपने पिता का नाम मेंशन कीजिए, और बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप कोई गवर्नमेंट आईडी का भी नंबर मेंशन कीजिए, जैसे पैन नंबर हुआ, आधार नंबर हुआ, दोनों मेंशन करें तो दी बेस्ट है। ये हो गया आपके बारे में, और आप अपना पता भी मेंशन कीजिए जहाँ पे आपके पास प्रूफ है, जैसे जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं, जिसका प्रूफ भी आपके पास है सरकार का, वो एड्रेस आप जरूर मेंशन कीजिए। ये हो गया आपका। अब दूसरा जो पॉइंट आता है, ओके, बेनिफिशरीज, मतलब आप मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि आपके पास में 3 अलग अलग सिटीज में असेट्स हैं। कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, कहीं पे साइट होगा, कहीं पे घर होगा, एक फ्लैट या बंगलो होगा, और आपने डिसाइड कर लिया किसे क्या देना है। तो आप सबसे पहले बेनिफिशियरी सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आप अपनी स्पाउस, हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, ठीक है, आप उन्हें क्या देना चाहते हैं, आप वो मेंशन कर दीजिए, उनका नाम, उनके पति या पिता का नाम, और कोई ना कोई गवर्नमेंट आईडी का नंबर जरूर मेंशन कीजिए। क्योंकि देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, विल जितना सिंपल लैंग्वेज में होगा उतने कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगे। तो आपको
आपकी भाषा में, सरल भाषा में आपके इच्छाओं को पेपर पे लिखना है एक सिस्टम के हिसाब से, जहां आप सबसे पहले अपना डिटेल देंगे, उसके बाद आपको एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना है। यहां पे एग्जीक्यूटर ये होता है जो आपके बाद उस विल को खोलेगा, उसे पढ़ेगा और उस विल के हिसाब से उन बेनिफिशियरीज को वो चीजें बांटेगा। ये सिस्टम है। तो एग्जीक्यूटर जनरली कौन हो, इस पे भी फिर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। इन जनरल प्रैक्टिस में लोग अपने स्पाउस को बना देते हैं या अपने कोई बहुत अच्छे दोस्त को बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि ऐसा करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। उसका रीज़न बताता हूँ। जैसे अभी मान लीजिए मेरी एज 40 ईयर्स है और मैंने अपने विल में अपने एक बहुत अच्छे मित्र को एग्जीक्यूटर के रूप में अपॉइंट किया हुआ है। 65 साल मेरी उम्र हो गई है मान लीजिए, और मेरे दोस्त की भी तो नेचुरल 65 साल हो गई है। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ मेरे से पहले हो जाती है, तो फिर एग्जीक्यूटर मेरे विल का क्या होगा? ओके, ऑफ कोर्स आप विल बदल सकते हो। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि एक अच्छा प्रैक्टिस ये होगा कि आप अपने से 15 या 20 साल यंग पर्सन को अपना एग्जीक्यूटर बनाइए। ध्यान रखिए एग्जीक्यूटर होशियार होना चाहिए, जिसे व्यवहारिक ज्ञान हो, और लॉयल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटर बेनिफिशियरी भी हो सकता है, डजंट मैटर, चलता है। बेनिफिशियरीज का जब जो मैं बता रहा था कि आप बहुत क्लियर, जितना आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो अपने असेट्स को, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे फलानी प्रॉपर्टी, कानपुर की प्रॉपर्टी रमेश को दे दी जाए, ये वाले लाइंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे। तो आपको मेंशन करना है कि रमेश कौन है, उसका फुल नेम, उसके पापा का नाम, और अगर वो आपका ही बेटा तो डेफिनेटली मेंशन कीजिए। आपके साथ उसका क्या रिलेशन है, ये आपको जरूर बताना पड़ेगा। ओके, और कानपुर वाली प्रॉपर्टी ऐसे नहीं, कानपुर में कौन सी जगह पे प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल दीजिए। इस प्रकार से आप जितना डिटेल में मेंशन करेंगे अपने बिल में, उतना कॉम्प्लिकेशंस का काम खत्म ही हो जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि बेनिफिशियरी कौन होना चाहिए। आंसर इज वेरी सिंपल, आप आपके प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप डिसाइड कीजिए किसे बेनिफिशियरी बनाना है। जरूरी नहीं है कि वो आपके पारिवारिक लोग ही हो। कई ऐसे किस्से हैं दुनिया में जहाँ पे अमीर आदमी, ऐसा आदमी जिसको मतलब यू नो परिवार वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, बट उनके सर्वेंट्स ने उनका बहुत ध्यान रखा, तो उन्होंने यू नो इमोशन में आके अपनी प्रॉपर्टी अपने सर्वेंट्स को दी है, अपने दोस्तों में बांटी है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कुछ साल पहले इंडिया में धमाका मचाया था, आपको याद होगा, प्रेमवदा जी बिरला, जिनकी प्रॉपर्टी थी करीब 5,000 करोड़ रुपए की वर्थ की, तो उन्होंने अपने परिवार, बिरला परिवार के किसी भी मेंबर को उन्होंने बेनिफिशियरी नहीं बनाया था। उन्होंने अपने विल में उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे मिस्टर लोधा, उनको अपना बेनिफिशियरी बनाया था। ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया कि विल फिर कोर्ट में चैलेंज भी होता है, तो कोर्ट में चैलेंज हुआ, लेकिन अल्टीमेटली लोधा फैमिली वो केस जीत गई, और बिरला फैमिली पूरी कोशिश करने के बाद में भी हार गई, क्योंकि विल उतना पावरफुल होता है। ओके, तो ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ। ओके, देखिए उनके लिए उनका अमाउंट है, हमारे लिए अपना अमाउंट उतना ही बराबर होता है। ठीक है, तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हम हमारे अक्यूमुलेटेड वेल्थ को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें अपनों में। ओके, तो बेनिफिशियरी आप किसी को भी डिसाइड कर सकते हैं, चाहे जितने बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है यहाँ पे, कई बार क्या होता है, अगर जो जॉइंट फैमिली कल्चर होता है और बड़ा परिवार होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक आध मेंबर कोई भी रीजन से फाइनेंशियली वीकर कैटेगरी में होते हैं। तो अगर आप बुजुर्ग हैं, और तो मेरा ये यू नो पर्सनल सजेशन ये है कि आप अपने असेट का पोर्शन आप उनको भी दीजिए एज ए बेनिफिशियरी। भले ही आपकी उनसे पटती ना हो, अलग बात है, या भले ही आपको लगता है कि वो बड़ा निकम्मा या यू नो निठल्ला है, बट इट्स ऑल फाइन। क्या होता है कि
उन्हें कौन देखेगा आपके बाद, एक क्वेश्चन मार्क आता है। अब वो जब और जो बाकी के लोग जो सेल्फ सफिशियंट है वो तो ऐसे ही सेल्फ सफिशियंट है, वो तो ऐसे ही अपनी जिंदगी अच्छे से जी लेंगे। तो जो वीकर पार्ट ऑफ योर फैमिली है आप उनका जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ऐसा मौका आपको लाइफ में मिलता है जहां आप कुछ ऐसा कर जाते हो जो आप जिंदगी भर उन लोगों के लिए यादगार रह जाते हो। तो इसे आप थोड़ा सा इमोशनली भी सोच सकते हैं। ऑफकोर्स विल बनाना एक नॉट ओनली द इमोशनल थिंग, इसमें काफी चीजें भी मैटर करती है। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि बेनिफिशियरीज जब आप मेंशन कर रहे हैं तो उनका भी जरा ध्यान रख ले। ओके, अब आता है बेनिफिशियरीज को आप क्या क्या असेट्स दे रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी यू नो वैल्यू वाइज आपको मेंशन नहीं करना। जैसे मैं आपको बताता हूं, हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली है जिसकी वैल्यू आज 60 लाख है, फॉर एग्जाम्पल 60 लाख है, और आप ये लिखते हैं कि इस 60 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी में मैं 2 हकदार बनाता हूं, एक होगी मेरी वाइफ और दूसरी होगी मेरी बेटी, दोनों को 30-30 लाख रुपए मिलेंगे। और हो सकता है कि 20 साल बाद आप इस दुनिया को छोड़ जाए और उसके बाद में तब यू नो उस चीज की वैल्यू हो जाएगी करीब मे बी 2-2.5 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, या 3 करोड़। आपने बिल में मेंशन किया है कि वाइफ को 30 लाख मिले इस प्रॉपर्टी से और दूसरे को बेटी को 30 लाख रुपए मिले, जबकि प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू 2.5-3 करोड़ रुपए हो रही है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अगेन। तो बेस्ट है परसेंटेज में मेंशन कीजिए, 50% इनको, 30% इनको, जो भी आपको मेंशन करना है आप उसे परसेंटेज में मेंशन कीजिए, ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा। और खासकर इमोवेबल प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छे से डिटेल दीजिए, मतलब रियल एस्टेट का स्पेशली, पूरे सर्वे नंबर, साइट नंबर, जो भी आपको मेंशन करना है। और शुरुआत में विल के लिखने की शुरुआत में आपको आपके नाम के बाद में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ये मेरा अंतिम विल है। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। ओके, इसके बारे में एक और वीडियो है जिसमें मतलब आपको एकदम एक्सट्रीम मतलब डीप डाउन चीजें भी डिस्कस की जाएगी। मैं आपको जस्ट मोटा मोटी बता देता हूँ कि ये स्केलेटन होगा विल का, कैसे बन रहा है उनके। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है, ये रूल है कि आप ये मेंशन कीजिए कि ये विल आपका आखिरी विल है तारीख के साथ में। तो इससे क्या होगा, आपके पुराने जितने भी विल है, देखिए विल आप चाहे जितनी बार लिख सकते हो, चाहे जितनी बार लिख सकते हो, और जो आखिरी तारीख का जो विल होगा वो कंसिडर किया जाएगा, उसके पहले वाले विल सब नल एंड वॉइड हो जाते हैं कोर्ट की नजर में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मेंशन करना है हर विल, जब भी आप विल लिखते हैं ये मेरी आखिरी विल है। ऑफकोर्स आप 6 महीने बाद फिर बदल सकते हो, और जब बदल रहे हो तो फिर आप लिखिए कि मेरी आखिरी विल है, बस सिंपल है वो। और यहां पे जब आप पूरा मेंशन करते हैं, ठीक है, आपको एक और चीज बहुत जरूरी है जो मेंशन करनी है, वो है कि आप किसी के दबाव में आके ये विल नहीं बना रहे हैं, आप अपने होशो हवास में और ना किसी के दबाव में आप ये बिल बना रहे हैं। ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि उस पर भी फिर चैलेंज हो सकता, नहीं तो कोर्ट में। और मोस्ट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप लिख रहे हैं तो आपको ये भी लिखना है कि आप फिजिकली फिट है और मेंटली भी फिट है इस चीज को लिखने में। यहाँ पे एक और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 50-55 के ऊपर है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लगा दें, बहुत जरूरी है, ताकि कोई इस चीज पे क्वेश्चन मार्क ना करे कि आपकी उम्र काफी हो गई थी और शायद आपको समझ में नहीं आया था क्या लिखना था, मतलब यू नो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो इसलिए टू अवॉइड ऑल दिस मिस्टेक्स और कंफ्यूजन्स इन फ्यूचर आप जरूर किसी सीनियर डॉक्टर का, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। ओके, ये पूरे बिल के लिखने के बाद में आपको सिग्नेचर करना है नाम और तारीख के साथ में, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको 2 विटनेस इस पे साइन करने जरूरी है, और हर पेज पे आपके सिग्नेचर होने हैं। अगर आपका मतलब यू नो विल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है और यू नो बहुतों को आप मेंशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो विल बन रहा है आपका 2-3-4-5 पेज का बन जाए। ओके, हर एक पेज पे आपको साइन करना है। ओके, और विटनेसेस को भी आपके हर पेज पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। अब कई लोगों को ये जो जायदाद वाला जो टॉपिक है ना, बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, कई लोग इसलिए नहीं लिखते कि यार इसके बारे में मैं आज किसी को नहीं बताना चाहता हूँ, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। तो डेफिनेटली आपको पूरा अधिकार है, आप इन सब चीज़ों को सबसे छुपा सकते हो।
जी हाँ, सबसे छुपा सकते हो। इवन आप जो विटनेस आपके जो पेपर पे साइन कर रहे हैं, आप उन्हें भी अगर आप चाहो तो कंटेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, बस उन्हें ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि आप उनके सामने सिग्नेचर कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके सिग्नेचर का विटनेस दे रहे हैं कि हाँ आपने कुछ लिखा है और इस पे आपने साइन किया और उनकी नजरों में हुआ है। अगेन, विटनेस कौन हो ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। ऑफकोर्स लॉयल पर्सन होना चाहिए, नजदीक का कोई आदमी होना चाहिए, आपके परिवार के भी हो सकते हैं, बट जनरली विटनेसेस वो होने चाहिए जिनका, जो लोग बेनिफिशरीज में नहीं है। मतलब आप अपनी वाइफ को ही विटनेस बना देंगे और वो बेनिफिशरी भी है तो फिर अगेन कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, आप समझ सकते हैं। तो आप अपने कोई अच्छे दोस्तों को बना सकते हो, बट अगेन वही बात है, विटनेस कई बार क्या होता है जब विल चैलेंज होता है कोर्ट में, ओके, तो विटनेस को डेफिनेटली यू नो कंसिडर किया जाता है उस टाइम। और अगर विटनेस अगर आपके पहले ही चले गए देश दुनिया छोड़ के तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पे मेरा पॉइंट ये रहेगा कि आप थोड़ा 5-10 साल जूनियर्स को विटनेस बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और विटनेस का बेनिफिशरीज के साथ में, मतलब यू नो देश वो या उनके लीगल हेयर्स बेनिफिशरीज नहीं होने चाहिए, वरना फिर वो भी एक समस्या हो सकती है। तो टू कीप इट सिंपल, आप अपने कोई भी दो पहचान वालों को विटनेस बनाइए। जितना अगर अगर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, देखिए क्या होता है कि फिर बहुत सारी चीजें मैटर करती है, क्योंकि पैसा सबको प्यारा है और आप नहीं चाहते हो कि आपके परिवार में आपके बाद में कोई भी चीज से अननेसेसरी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या लॉयर को या प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, डॉक्टर इज अ फैंटास्टिक पर्सन फॉर यू नो एज अ विटनेस, क्योंकि वो आपका जो मेंटल और यू नो फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड है उसके बारे में भी वो बता सकते हैं कि हाँ ही वॉज इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये सब चीजें लिखनी है। अब आती है बात, इस विल का करें क्या। बना लिया आपने, सब कुछ कर लिया हिसाब से, और आपको अगर और इसमें बहुत ज्यादा डीप में चाहिए तो मेरा जो अगला वीडियो होगा वो काफी डीप में होगा, ओके, तो आप उसको जरूर देखिएगा। अब ये विल बनने के बाद करना क्या है, इसे आपको, आप चाहो तो इसे रजिस्टर कर सकते हो फॉर द इवन यू नो बेटर वेटेज, नहीं करे तो चलता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन कर दो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप इसे रजिस्टर कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बोला था ये सब करने के लिए कोई खर्चे नहीं लगते हैं, बस आपको मन बनाना है, आपको इसे सीरियसली लेना है, और आप सीरियसली लेंगे। क्यों लेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम हमेशा अपने रेगुलर डेली रूटीन लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशनरी चीजें करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता है। देखिए जैसे जैसे जब हम बाइक चलाते हैं तो पहले हम हेलमेट पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेते हैं। मानसून सीजन में, बारिश के दिनों में हम छाता लेके निकलते हैं, ओके, क्योंकि हमें पता अगर हम नहीं लेके निकलेंगे तो हो सकता है भीग जाएंगे। मतलब एक चीज पिक्चराइज हो जाती है कि ये चीज नहीं होगी तो क्या होगा। बस आप एक सेकेंड ऐसे ही सोचिए कि आपके पास विल नहीं है और कुछ हो जाए तो पीछे सीन क्या बनेगा घर में, ओके। आई रियली वॉन्ट यू टू विजुअलाइज दैट, तब आपको लगेगा कि ये विल कितना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो आप, और अगर आपको अभी भी कोई इस चीज को लेकर शंका है, कोई कंफ्यूजन है, कंसर्न है, आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर टू दैट, ओके। एंड कमिंग बैक टू दिस, अभी विल का करना क्या है, आपने सब कुछ मेंशन कर दिया, हर चीज आपने ध्यान दी है, आप चाहो तो इसे रजिस्टर करवा सकते हो, ओके। रजिस्टर करवाना ज्यादा होशियारी है जैसे मैंने बताया, और आप चाहो तो इस पूरे विल के कंटेंट को, कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते हो कि आपने बिल में क्या लिखा है वो किसी को पता चले, तो विटनेस को तो आपकी मर्जी, या नहीं बताओ तो भी वो साइन करेंगे, अलग बात है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो फिर तो देखेगा। लेकिन यहां पे सरकार ने एक और आपको सहूलियत दी है कि आप चाहो तो एक क्लोज्ड एनवेलप में आप अपना वसीयत छोड़ सकते हो लिख के, और वो क्लोज एनवेलप को आप रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कर सकते हो, उसकी कॉपी ले सकते हो, वो कॉपी आप अपने फैमिली को दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके एबसेंस में, मतलब यू नो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, परिवार वाले उधर जाएंगे, उस रजिस्टर ऑफिस से वो कॉपी लेंगे आपके डेथ सर्टिफिकेट, जो भी यू नो सबमिट करके, जो फॉर्मेलिटीज करके, वो एनवेलप लिया जाएगा और उसमें जो जो मेंशन किया जाएगा उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा परिवार वालों को। बहुत सिंपल ये चीज है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली है, और इसके अगले वीडियो में
मैं आपको और कुछ एक ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंसेस बताऊंगा जिन्होंने विल नहीं लिखे थे। जैसे मैं आपको कुछ नाम दे देता हूं, धीरूभाई अंबानी जी, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इतने बड़े व्यापारी थे, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना विल नहीं बनाया तो उसके क्या क्या तकलीफें हुई थी उसका मेरा अगले वीडियो में केस स्टडीज बहुत अच्छे हैं। संजय गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बनने तक के सपने देख रहे थे, जैसे आप जानते हो कि उनका एक्सीडेंटल डेथ हुआ था और घर में जो फिर बाद में जो रामायण रची जस्ट बिकॉज विल नहीं था, तो उसके बारे में भी कुछ बताऊंगा आपको। और आजकल जिस प्रकार से कल्चरल शिफ्ट हो रहे हैं, ओके, मैरिजेस में देखिए काफी चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस कैसे यू नो आपके सक्सेशन पे अफेक्ट करेंगे उसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स मैं आपको हिंट दूंगा, ओके। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम ध्यान देना है कि इस बिल को बनाना कैसे है। सो टू समराइज, अभी जो मैं आपको बताया एकदम समरी में अगर आपको बताना तो एकदम यू नो विल बनाना कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डेफिनेटली है, ओके, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप सेविंग ना करो, इन्वेस्टमेंट ना करो फिर भी चलेगा, लेकिन जो ऑलरेडी आपने जो कर लिया, जो अक्यूमुलेट किया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो उसका आपको यू नो लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए कोई खर्चा नहीं है, बस आपको आज तक आइडिया नहीं था कि करना कैसे है। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत यूज हुआ होगा और आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स मुझे इनकरेज करेंगे कि मैं अपना 12 साल का जो नॉलेज मैंने गेन किया है काफी क्लाइंट्स को सर्विस करते करते मैं आपने शेयर करूं, हो सकता है कि मेरा नॉलेज कहीं आपको यूज हो जाए। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।